ग्रैंड मस्ती के रिकॉर्ड कलेक्शंस की कहानी को मात देने बी टुनाइट पर आ गई है विवेक की एक दूसरी कहानी। ये है ग्रैंड बेइज्जती की कहानी, ऐसी फजीहत का फसाना जिसकी उम्मीद कम से कम हिट फिल्म देने वाला स्टार तो कभी नहीं करेगा, जिसकी लिमिटेड बजट फिल्म फर्स्ट वीकेंड में ही करीब 40 करोड़ कमा ले और उस स्टार को अपनी ही फिल्म के शो के दौरान किसी तरह की इंसल्ट झेलनी पड़ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा हुआ है। विवेक की फिल्म के 40 करोड़ के कलेक्शन पर भारी पड़ गया है 25 समोसे का नुकसान। जी हाँ, विवेक के हाथों 25 समोसे की प्लेट गिरने से हुए नुकसान को एक थिएटर ओनर ने अपने दिल से लगा लिया है। ये भाई चला गया सीधा कैंटीन के अंदर और लोग टूट रहे, कैंटीन के ऊपर से समोसे की पूरी ट्रे गिर गई, 20-25 समोसे खत्म हो गए, सैंडविचेस खत्म हो गए, तो उसके बाप का क्या जाता है, वो तो भाग के फिर पब्लिक उसके पीछे भागने शुरू हुई, भाग के गाड़ी में बैठ के चला गया, नुकसान तो मैंने भोगता ना। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया हो तो जरा खुलकर बता दिया जाए कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल विवेक संडे को डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंदर कुमार और अपने को स्टार आफताब के साथ मुंबई के एक सिंगल स्क्रीन थिएटर पहुंचे। हालांकि विवेक यहां थिएटर हॉल के अंदर जाकर ऑडियंस से मिलने का इरादा करके आए थे, पर उन्हें अलाउ नहीं किया गया, ना तो पिक्चर हॉल के अंदर और ना ही हॉल के कैंटीन में। लेकिन विवेक काफी देर तक थिएटर के कैंटीन ऑपरेटर्स को समझाते रहे। कैंटीन ऑपरेटर्स भी लगता है भरे बैठे थे। उन्होंने विवेक की काफी पहले रिलीज हुई प्रिंस के वक्त हुए नुकसान के किस्से निकाल लिए। अरे क्या बात, दादा आप क्या बोल रहे हो, लास्ट टाइम तो किया था ना सर, लास्ट टाइम जो किया था आपको याद होगा, आपको याद होगा, मैं भी किया था ना, पता है ना सर लास्ट टाइम क्या हुआ था, आपको भी पता है सर। हाँ ठीक है ना, तो इसीलिए हमको कंट्रोल करना पड़ता है, कोई कोई गैलेक्सी का नाम पूरे सर मैं उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा नुकसान मुझे भुगतना पड़ा था लास्ट टाइम, आपको याद है प्रिंस के ओके। पर विवेक भी कहां मानने वाले थे, थिएटर हॉल के अंदर जाकर ऑडियंस से इंटरैक्ट करना भले ना उन्हें मिल पाया हो, पर विवेक कैंटीन में तो पहुंच ही गए। विवेक और आफताब को देखकर फैंस का जोश देखने लायक था, फिर क्या, जोश में आई भीड़ अक्सर होश खो देती है, यहाँ भी शायद वही हो गया। विवेक और आफताब को देखकर बेकाबू हुई ऑडियंस के हाथों भी अगर कोई नुकसान हुआ है तो थिएटर स्टाफ शायद उसकी भरपाई की मांग विवेक से कर रहा है और थिएटर ओनर इस नुकसान की भरपाई को लेकर विवेक से नाराज हो गए हैं। कल ऐसा हुआ कि उसको अंदर जाना, पब्लिक के बीच में नाचना था, ये इतनी सेंसिटिव पिक्चर है कि इसमें पब्लिक के बीच में नचाने का मतलब मेरा थिएटर पूरा नुकसान हो जाता था। इंदर कुमार को जब मैंने फोन पे बोला कि क्या हो रहा है, तो बोले मनोज भाई मेरे काबू में नहीं है, बोला तो फिर काम को लाते हो आर्टिस्ट मेरे पास। इसके पहले भी विवेक ने एक बार हमारे थिएटर में ऐसा किया है, इसलिए मैं बहुत कॉशियस हो गया था जब मुझे पता चला विवेक आया है, मैंने पहले मेरे स्टाफ को बोल दिया उसको अंदर नहीं जाने देना, क्यों वो चुपचाप जाता नहीं है, चुपचाप आता नहीं है, करता है अंदर, मेरे को समस्या नहीं, अंदर का थिएटर बचा रह गया तो बाहर कैंटीन में नुकसान हो गया, नुकसान तो हुआ ही मेरा, विवेक को शोभा नहीं देता। वैसे विवेक की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसे बड़े कलेक्शंस के रिकॉर्ड बनाए हैं कि 25 समोसे की प्लेट वाले नुकसान की उन्हें जरा भी परवाह नहीं होगी। करीब 35 करोड़ के बजट से बनी ग्रैंड मस्ती ने अपने फर्स्ट वीकेंड में करीब 39.51 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। ग्रैंड मस्ती ने 90% की ओपनिंग ली। फिल्म ने फ्राइडे को 12.33 करोड़, सैटरडे को 13.1 करोड़ और संडे को 14.17 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं ग्रैंड मस्ती के आज रिलीज हुई बाकी दो फिल्में जॉन डे और हॉरर स्टोरी को बॉक्स ऑफिस पर काफी स्लो स्टार्ट मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई।